हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेणु शर्मा के ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो नवरात्रि चल रहा है चैत मास का, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, दुर्गी माँ का दिन चल रहा है। हम भी जा रहे हैं मंदिर, शाम का टाइम है। तो यहीं पे मतलब शिव मंदिर भी है, माता रानी का भी मंदिर है। चलते हैं मंदिर के अंदर, आप सबको दिखाते हैं यहाँ पे शाम के टाइम कितना अच्छा लगता है, आरती भी होती है और दिखाएंगे। अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है और धीरे धीरे भीड़ होगी तो पूजा होना शुरू होगा, तो हम आप सबको दिखाएंगे। अभी तो मैं मंदिर पहुँच गई हूँ, ये देख सकते हो। दोस्तों मैं मंदिर के अंदर चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ढोलक बजने की आवाज़ आ रही है और हम आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे कीर्तन हो रहा है। ये भी देखिए शनिदेव महाराज हैं। यहाँ पे शनिवार के दिन बहुत ही दिए जलते हैं, सभी आते हैं दिए जलाने, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर, थोड़ा भजन हो रहा है, कुछ महिलाएँ ढोलक बजा के भजन कर रही हैं। देखिए आवाज़ आ रही होगी। देखिए दर्शन करने वाले अब धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि नवरात्रि चल रहा है ना। देखिए ये देखिए सीताराम और लक्ष्मण जी का मंदिर है ये। भाई शाम को आरती होगी। देखिए यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहीं पे राधा कृष्ण है। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी हैं यहाँ पे। अब राधा कृष्ण के मंदिर हम दिखाएंगे आप सबको। कितना सुंदर भजन कर रही है माता लोग। प्यारा भजन गा रही है। आइए दोस्तों दुर्गा माता के मंदिर के पास चलते हैं। यहीं पे देखिए दीपक जल रहा है माता के चौखट पे।
माता की, माँ दुर्गा जी का दिन चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है 9 दिन का। तो दोस्तों दुर्गा माता का जरूर आशीर्वाद लीजिए। ये छोटा सा हरियाली जैसा है, बहुत ही सुंदर बना दिए हैं। बहुत ही छोटा सा एक पार्क है ये, जो शाम के टाइम आते हैं बच्चे भी और लोग भी यहाँ पे बैठते हैं। दोस्तों मंदिर में कुछ और ही बन रहा है कि मुझे पता नहीं है क्या बन रहा है, पर देखिए दोस्तों खुदाई हुई है, कुछ नया ज़रूर बनने वाला है यहाँ पे। आइए दिखाती हूँ आप सबको। यहाँ पे भोले बाबा हैं, जो शिवरात्रि के दिन इतना भीड़ था यहाँ पे, मतलब पूरी तरह से, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस टाइम देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब इतना, पर यहाँ आए दिन ना कुछ होता रहता है, भजन कीर्तन कोई मतलब सेलिब्रेशन कुछ भी होता रहता है यहाँ पे। देखिए सब चले आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पे देखिए प्लांट है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। शाम के टाइम हर लोग आते रहते हैं यहाँ पे। मंदिर देखिए बाहर से कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ही प्यारा दृश्य लग रहा है। और मंदिर में कीर्तन हो रहा है फ्रेंड लोग, बहुत ही प्यारा कीर्तन हो रहा है। दोस्तों ये सामने से ही आपको, मतलब यहाँ पे पूरा मतलब देवताओं का परिवार है ये, मतलब परिवार मतलब देवता के परिवार का ही मंदिर है ये। यहाँ पे शिव भगवान है, शिवलिंग है, और शंकर जी पार्वती हैं, मतलब उनकी फैमिली है, जैसे कि गणेश जी, सिद्धि सिद्धि पार्वती, शिव भोले। यहाँ पे आप बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, झूलो झूला झूलो झूलो झूलो, हाँ मेरा बेटा है, झूल लो, दूसरे वाले पे झूला दो ना, ये इस पे नहीं झूल रही है, सही से बैठ नहीं रही है, उस पे झुलाओ, उस पे, उसमें देखो एक बच्चा बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ इसको बैठा दो। अब सही रहेगा, दोनों तरफ बैलेंस बन गया। कैसे झूल रहे हैं देखो, कितना झूल लग रहे हैं। दोस्तों मंदिर में बच्चे के झूलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखिए मेरी बेटी देखो कैसे झूल रही है, इसको झूला रहे हैं इसके पापा, और हम दिखा देते हैं आप सबको। उधर भी है झूलने वाला। यहाँ पे शाम के टाइम ज़्यादातर आते हैं सब अपने अपने बच्चों के लेके। यहाँ पे देखिए खेलते हैं, ये सरकने वाला है, और यहाँ पे देखिए झूल रहे हैं। काफ़ी देर तक बच्चे यहाँ पे खेल करते हैं, झूलते हैं, दिखाते हैं आप सबको। इधर भी है, बहुत सुंदर है, और ये मंदिर के अंदर ही है, सब लोग आते हैं, दर्शन भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, आरती में भी शामिल होते हैं, और बच्चे को भी अपने यहीं पे झूला झुलाते हैं। दोस्तों यहीं पे योगा करने का भी स्थान है, कुछ महिलाएं और कुछ जेंट्स आते हैं यहाँ पे योगा भी करते हैं। आज तो कोई नहीं दिख रहा है दोस्तों, दिखाती हूँ आप सबको, नहीं तो योगा करते रहते हैं यहाँ पे। दिखाऊंगे किसी दिन आके, जैसे कि योगा होता रहेगा तब यहीं पे योगा होता है। यहाँ देखिए यहाँ पे चटाई बिछी हुई है, ये दरी है पट्टी वाली, यहीं पे होता है। मंदिर का लोकेशन बहुत ही सुंदर है, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, शाम जैसे जैसे होता है वैसे वैसे भीड़ होगी। सब चले आ रहे हैं, अभी पूजा होगा, जब आरती होगी तब हम आप सबको दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों मंदिर में बड़ों के लिए भी है यहाँ जिम करने की सुविधा, जैसे कि देखिए, अरे देखिए अंकल जी कर रहे हैं, हाथों का एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इधर ये है, उधर एक बच्चा बैठा हुआ है,
इधर ये मैं खड़ी हूँ, पैर ऐसे से करने वाला है। दोस्तों एक तरफ बच्चे के लिए है तो एक तरफ बड़े के लिए है, और ये जिम का काम करता है, ये सारे चीज़ें हैं। तो मैं अब चलूँगी, क्योंकि आज तो मैं मतलब आरती का वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मुझे जाना है शॉप पर, कुछ सामान भी लेना है। फिर किसी दिन आऊँगी तो मैं पूजा और आरती का वीडियो दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना। बाय बाय।